हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली ट्रायंगल्स के लिए अप्लाई होता है, और वो भी कौन से ट्रायंगल के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ओके, वो तो सबको पता ही है। सो ये राइट एंगल है। राइट एंगल की ऑपोजिट साइड इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये दोनों को क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। ऑफ व्हाट? ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि ये दो साइड्स हैं। ठीक है, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल की हाइट भी बोल सकते हैं। ओके, अब सबसे पहली बात कि साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज अ हाइपोटेनियस। ओके, एंड हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है डेट ए सी स्क्वेयर, मतलब कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो साइड का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इज साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक अगर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये है, और उसका कन्वर्स भी है। अगर ये है तो ट्राइंगल राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये रूल है, और अगर ये है तो ट्राइंगल राइट एंगल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ट्रिपलेट्स ही होते हैं। मतलब अगर दो नंबर ये है तो तीसरा नंबर ये ही होगा। जैसे बेसिक ट्रिपलेट बोल दो तो ये है। इसमें देखिए बड़ी साइड कौन सी है? फाइव। ठीक है, जो जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। उसी तरह से 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट है। उसी तरह से एक है 12, 35 एंड 37। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, जो हम इस तरीके से हाइपोटेन्यूज के थ्योरम को यूज़ करके हम कर सकते हैं। सो हम एक्सरसाइज 6D स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 65 सेंटीमीटर। सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी, और ये क्या है? 65 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इज साइड इज 60 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो है वो 60 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो ये फाइंड। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है? 65 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है? 60 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। अरे हमने पति जैसे मारा। 4225 माइनस 3600। Which is equal to 625। अब यहाँ से स्क्वेयर हटेगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, और ये 625 जो है वो 25 का स्क्वेयर है। सो रूट क्या हुआ उसका? 25। सो बी सी इज वॉट? 25। 3, 4 एंड 6 डिटरमाइन इफ इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। 3, 4 एंड 6 मतलब 6 यहाँ पे आएगा, 3 या तो 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एज पर पाइथागोरस थियरम ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। ठीक है, तो 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 6 स्क्वेयर। डेट मीन्स 9 प्लस 16 शुड बी इक्वल टू 36, बट इट इज नॉट इक्वल टू 36, हैंस इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल।
ओके ड्यू नॉर्थ एंड देन 24 मीटर ड्यू ईस्ट, तो एन ई डब्ल्यू एस, ठीक है, ऐसा होता है डिरेक्शन. अब क्या बोल रहे हैं, 7 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो मतलब ये 7 मीटर हुआ. देन मतलब यहाँ से ऐसे जाके 24 मीटर ड्यू ईस्ट, हाउ फार इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब एसी फाइंड करना है हमें. सो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 प्लस 576, which is equal to 625. So AC is equal to root of 625, which is equal to 25 meters. Now the ground. Ladder मतलब क्या होगा, वो hypotenuse होगा. 5 मीटर, ठीक है, फोर मीटर अबाउ द ग्राउंड, तो ये मेरा हुआ 4 मीटर. डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द हाउस, मतलब कि ये आपका क्या है हाउस, ये क्या है लैडर, ठीक है, और ये हमें डिटरमाइन करना है डिस्टेंस. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9. So BC is equal to root 9, which is equal to 3 meter. A ladder is placed in such a way that its foot is at a distance of 3 meter from a wall and its top reaches a window 4 meter above the ground. Determine the length of the ladder. ये ladder है obviously, ठीक है, इसका find करना है. ये क्या है, ये वॉल है, ओके. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9. सो ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 25. So AC is equal to 5 meters. Okay? ये तो बहुत easy ही है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. थैंक यू.